नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए प्रभारी मंत्री को काले झंडे। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री को युवा कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना से हुई मौतों को लेकर दिखाए काले झंडे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सोमवार को करीब 12 बजे जैसे ही टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन में पहुंचे, वहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी मंत्री को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रभारी मंत्री को काले झंडे दिखाए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। इसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ से ब्यूरो चीफ महेश वर्मा की रिपोर्ट। रोजगार की बहुत समस्या है, जब मैं बेरोजगार आज यही मुझे रोजगार एक बड़ी समस्या है। आज हम सब विधायकों ने मिलकर जिला दिल्ली में मिलकर यही संकल्प लिया है कि हम रोजगार के अवसर और जिले की एक भीड़ निकालने पर रोजगारों को योजना बनाई। यहाँ से पानी लेट गिरने से फसलें किसानों की आधे से ज़्यादा खराब। देखिए अब जो भी समस्याएं हैं आज और जो भी समस्या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स नहीं हैं या जितनी पोस्टिंग होनी चाहिए, जिससे पूरा चरमरा है। चिकित्सकों की कमी है और जो भी हमने मध्य प्रदेश में युक्तिकरण कर चिकित्सकों की व्यवस्था की और लगातार हम सर कुछ जगह जो है पुलिस के साधन सोचा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेची जा रही है, ये तो बात है। किसी भी तरह की अवैध शराब या अवैध किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी प्रतिबंध के बाद भी मंत्री जी हजारों एकड़ मिट्टी को खोद के बालू बना के बिक रहा है जिले में, कारोबार बोला किसी भी तरह